अहम खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर जहांगीर तरीन से पीटीआई अरकान असम्बली की तरीन हाउस में मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन को हिमायत का यकीन दिला दिया है। जहांगीर तरीन को तनहा नहीं, पीटीआई अरकान असम्बली ने यह कहा है। एमएनए गुलाम भरवाना, गुलाम अहमद और राजो रियाज से मुलाकात हुई। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल और एमपीए वराइज भी शामिल हैं इस मुलाकात में। आपको मज़ीद बताएं, जहांगीर तरीन से पीटीआई अरकान असम्बली की तरीन हाउस में मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन को हिमायत का यकीन दिला दिया। जहांगीर तरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पीटीआई अरकान असम्बली ने इस आज़म का इजहार किया है। जहांगीर तरीन से अरकान असम्बली के राबतों पर हुकूमत में हलचल मच गई। वजीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन की हिमायत करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं, अरकान असम्बली से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे। खावर अब्बास नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी खावर, बताइएगा। बिल्कुल, आज वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार जो है वो वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। वो कौमी मफादात की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए थे। आज है कि जहांगीर तरीन खान की पेशी से पहले राय का कहना है कि उनसे कुछ मेंबरों ने कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से जिनकी मुलाकातें हुई हैं और जो उनके साथ रबते में है, राय का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने उनकी फहरिस्त तैयार कर ली है और वजीर आला वो फहरिस्त जो है वो आज वजीर आजम के सामने पेश करेंगे और उनके साथ जो है मुकम्मल तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा जहांगीर खान तरीन के हवाले से। और हतमी फैसला जो है वो वजीर आजम इमरान खान करेंगे कि इन अरकान असम्बली के मामले में क्या पेशकश करनी है। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास तफसीलात के लिए। अहम खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर जहांगीर तरीन से पीटीआई अरकान असम्बली की तरीन हाउस में मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन को हिमायत का यकीन दिला दिया है। जहांगीर तरीन को तनहा नहीं, पीटीआई अरकान असम्बली ने यह कहा है। एमएनए गुलाम भरवाना, गुलाम अहमद और राजो रियाज से मुलाकात हुई। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल और एमपीए वराइज भी शामिल हैं इस मुलाकात में। आपको मज़ीद बताएं, जहांगीर तरीन से पीटीआई अरकान असम्बली की तरीन हाउस में मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन को हिमायत का यकीन दिला दिया। जहांगीर तरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पीटीआई अरकान असम्बली ने इस आज़म का इजहार किया है। जहांगीर तरीन से अरकान असम्बली के राबतों पर हुकूमत में हलचल मच गई। वजीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन की हिमायत करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं, अरकान असम्बली से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे। खावर अब्बास नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी खावर, बताइएगा। बिल्कुल, आज वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार जो है वो वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। वो कौमी मफादात की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए थे। आज है कि जहांगीर तरीन खान की पेशी से पहले राय का कहना है कि उनसे कुछ मेंबरों ने कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से जिनकी मुलाकातें हुई हैं और जो उनके साथ रबते में है, राय का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने उनकी फहरिस्त तैयार कर ली है और वजीर आला वो फहरिस्त जो है वो आज वजीर आजम के सामने पेश करेंगे और उनके साथ जो है मुकम्मल तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा जहांगीर खान तरीन के हवाले से। और हतमी फैसला जो है वो वजीर आजम इमरान खान करेंगे कि इन अरकान असम्बली के मामले में क्या पेशकश करनी है। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास तफसीलात के लिए।